फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इमरजेंसी सी सेक्शन के बारे में, यानी इमरजेंसी में सी सेक ऑपरेशन डॉक्टर्स को कब करना पड़ता है, क्या वो कंडीशन है जहाँ पे सारी डिलीवरी यानी सारा का जो प्रेगनेंसी ड्यूरेशन है वो नॉर्मल चल रहा है, आपकी प्रेगनेंसी भी हेल्दी है और सारे रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है, उसके बाद भी लेबर रूम में जाके डॉक्टर्स को इमरजेंसी सी सेक करने का डिसीजन लेना पड़ता है। तो वही हम जानेंगे कि ऐसी वो कौन सी परिस्थितियां हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरे वीडियोस मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक करना, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बगल का बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दीजिएगा, इससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप ऐसे ही आने वाले कोई भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। तो फटाफट से जानते हैं क्या वो सिचुएशंस है जहाँ पे डॉक्टर को इमरजेंसी सी सेक करना पड़ता है। तो कभी कभी जो बेबी है आपके अंदर वो है ना डिस्ट्रेस हो जाता है जब भी लेबर चल रहा होता है। तो सब कुछ अगर नॉर्मल होने के बाद भी बेबी अगर डिस्ट्रेस हो गया और उसने पॉटी यानी जो मिकोनियम सब्सटेंस है उसके बेबी के जो फर्स्ट पॉटी निकल के आती है ग्रीनिश ब्लैकिश कलर की जो मिकोनियम बोलते हैं वो वहीं पास कर दी, तो फिर डॉक्टर को इमरजेंसी सी सेक का डिसीजन लेना पड़ता है। क्योंकि अगर एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चे ने पॉटी कर दिया है और वो पॉटी का पानी बच्चा अगर निगल लेगा, जैसा हम जानते हैं प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में बच्चा वो पानी थोड़ा थोड़ा निगल भी लेता है, अगर वो निगल लेगा तो उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर उसने ज़्यादा मात्रा में ले लिया तो इन्फेक्शन के साथ साथ थोड़ा सा लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है बेबी के लिए। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में डॉक्टर इमरजेंसी सी सेक करने का प्लान कर लेते हैं इमीडिएटली। और एक डॉक्टर उसको कैसे पता चलता है, अगर वो बाप का वाटर बैग बस्ट हो चुका होता है या डॉक्टर एक्सप्लिसिटली बस्ट करते हैं तो उस केस में जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड का जो वाटर आ रहा होता है बाहर वो एकदम ट्रांसपेरेंट कलर का होना चाहिए। बट अगर है ना वो ग्रीनिश या ब्लैकिश कलर का होता है इसका मतलब उसमें पॉटी है बच्चे की, तो उसका एमनियोटिक फ्लूइड के कलर को देख के डॉक्टर लोग डिसाइड करते हैं कि आपका ये इमरजेंसी सी सेक होगा या नहीं। दूसरी कंडीशन जब आती है जब आपका लेबर बहुत प्रोलॉन्ग हो गया यानी लेबर बहुत लंबा हो गया, लेबर आपका 20 घंटे से भी ज़्यादा चल गया है, तो उस सिचुएशन में डॉक्टर लोग डिसाइड करते हैं कि आपका अब इमरजेंसी सी सेक ही कर दिया जाए क्योंकि ऑलरेडी 20 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं आपको लेबर में, अब इसको और ज़्यादा वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हो सकता है बेबी भी डिस्ट्रेस में आ जाए और आपकी हेल्थ पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। तीसरी सिचुएशन जो होती है वो होती है कि आपको लेबर हो रहा है, सब कुछ सही है, लेबर पेन भी आ रहे हैं, स्ट्रांग भी है, बट आपका सर्विक्स का डायलेशन नहीं हो रहा है। जैसा हम जानते हैं सर्विक्स 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होना चाहिए तभी आपका बेबी बाहर आ सकता है, 10 सेंटीमीटर बेबी के हेड के बराबर रहता है। तो अगर वो उतना नहीं डायलेट हो रहा और या फिर वो है ना डायलेशन स्पीड बहुत 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 स्लो है तो फिर डॉक्टर लोग है ना इमरजेंसी सी सेक करने की सलाह देते हैं। अगर बेबी को ऑक्सीजन सप्लाई कम मिल रहा होता है, उसकी है ना जो धड़कन है उसकी जो हार्ट बीट है वो गिरती चली जा रही होती है, वो रिस्पॉन्ड करना बहुत स्लो कर देता है, तो उस केस में भी डॉक्टर्स हमें सजेस्ट करते हैं माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ के लिए बेटर है कि हम सी सेक ऑपरेशन करवा लें। तो ये सारी कंडीशंस बनती हैं जो आपका लेबर रूम में जब आप जाते हो, जब आप एडमिट होते हो डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में, तभी आपकी ये सिचुएशंस आपके सामने आती हैं जिसमें डॉक्टर लोगों को इमरजेंसी सी सेक करना पड़ता है इवन आफ्टर आपकी सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही होती हैं। तो आई होप इस वीडियो में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं फिर मिलूंगी आपसे ऐसे ही एक नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपने बेबी का ध्यान रखिए।